रोशनी और किताब का रिश्ता, इल्म और अमल का रिश्ता है। किताब रोशनी का मंबा, इल्म का महवर और आगही का मरकज। इल्म और अमल के रोशन रिश्तों की पहचान, दारे अरकम। 1990 में चंद अहले दानिश ने एक ऐसे तालीमी इदारे की जरूरत को महसूस किया जहां बच्चों को महज दुनियावी तालीम से ही आरास्ता न किया जाए, बल्कि कुरानी तालीम की रोशनी में उनके कायदाना किरदार की तालीम को अव्वलीन तरजीह दी जाए। इस तसव्वुर को हकीकत का रूप देने की अमली सआदत प्रोफेसर इरफान अहमद को हासिल हुई। सरगोधा से दारे अरकम का आगाज हुआ और फिर इल्म अमल के रोशन रिश्तों का यह सफर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। किसी भी कौम की जिंदगी और बका के लिए उसकी नई नस्ल बुनियादी अहमियत रखती है और नई नस्ल की तरबियत में उस कौम का निज़ाम तालीम किरदार अदा करता है। हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने नौजवानों की अमली तरबियत पर जोर देने को अपने निज़ाम का लाजमी हिस्सा बनाया। दीन सीखने के लिए मस्जिद और दुनिया सीखने के लिए स्कूल की मुरवजा सोच को प्रोफेसर इरफान अहमद ने कुरान फहमी को अपने विजन और तजुर्बे से एक नया तसव्वुर दिया कि स्कूल ही में बुनियादी तालीम के साथ साथ कुरान पढ़ाया और हिफ्ज भी कराया जा सकता है। यूं दारे अरकम का ये विजन अपने अमल के साथ नई मंजिलों का संग मील ठहरा। मंजिलों की ख्वाहिश में ख्वाब से हकीकत तक मरहले वफाओं के इस तरह कटे जैसे बूंद बूंद पानी की बारिशें बरसती हों, रंग रंग फूलों की खुशबुएं बिखरती हों। खुशबुएं अमल की हैं, इल्म और अमल की हैं। हाथ में किताबें हैं, वक्त की तनाबें हैं। ये उम्मीद की किरणें रोशनी की मंजिल तक ख्वाब और हकीकत के लाजवाल रिश्ते का बाकमाल नुक्ता है, आगही में यकता है। ये सब दारे अरकम के आला तरबियत याफ्ता रोल मॉडल असातिज़ा की अपने पेशे से जुड़ी सच्ची लगन ही है कि आज दारे अरकम के लिए हजारों वालिदैन के बढ़ते हुए एतमाद का एजाज एक कीमती सरमाए की हैसियत रखता है। मेरे लिए ये बात बाइस इफ्तिखार है कि मुझे दारे अरकम स्कूल सिस्टम से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने का मौका मिला। पाकीज़ा दीनी माहौल, आला तालीम और शफीक असातिज़ा कराम की ज़ेरे निगरानी बेहतरीन तरबियत के असरात आज मेरी शख्सियत का हिस्सा हैं। दारे अरकम स्कूल सिस्टम की तमाम ब्रांचेस में क्वालिटी एजुकेशन पर समझौता नहीं किया जाता। आला मयार निसाब साजी में हो या तरीक़े तदरीस में, इम्तिहानात में हो या शख्सियत साज माहौल में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की प्रोफेशनल टीम माहिरीन तालीम की क़यादत में आला तरीन मयार की तलाश में सरगर्म अमल। खूब से खूब तर और बेहतर से बेहतरीन मयारात का हुसूल, R&D डिपार्टमेंट का तुर्रा इम्तियाज। ये बड़ी मेहनत करते हैं, निसाब इस अंदाज से बनाते हैं जिसमें जदीदियत हो और जिसके अंदर गोया के मॉडर्न चीज़ें रखी जाएँ। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि निसाब बनाने काफ़ी नहीं है, असातिज़ा को तरबियत देते हैं, तो असातिज़ा की जो तरबियत है ये मेरे ख्याल में इन्होंने इसको अहमियत दी है और ये स्कूल की बड़ी अहमियत है। इस्लामी तालीमात के हवाले से
हिफ्ज़े कुरान के भी और कुरान पढ़ाने के भी इंतज़ाम हैं। यही वजह है कि इनको एजाजात भी मिल रहे हैं। बच्चे आमतौर पर टॉप पोजीशन लेते हैं बोर्ड के इम्तिहान में। दार अरकम को पाकिस्तान में अपनी नौइयत का सबसे पहला स्कूल सिस्टम नेटवर्क मुतारिफ कराने का एहसास हासिल है। मुल्क भर में फैले दार अरकम के सैकड़ों तालीमी इदारों में बैक वक्त यकसा निसाब, तरीक़े तदरीस, निज़ाम इम्तहानात, हम निसाबी सरगर्मियों का शेड्यूल और शख्सियत साज माहौल की मुसलसल फराहमी एक मजबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम की मरहून मिन्नत है। मुझे यकीन है कि दार अरकम, जैसा कि नाम से जाहिर है, अपने तलबा और तालबात को एक अच्छी तालीम दे रहा है और अच्छे तालिब इल्म निकाल रहा है जो बाहर आकर अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और अच्छे शहरी बनेंगे। अपने इर्द गिर्द फैले बेशुमार तालीमी इदारों की मौजूदगी में बच्चों के लिए स्कूल के इंतखाब का फैसला वालिदैन के लिए मुश्किल मरहला। एक ऐसा रोजान साज तालीमी इदारा जहां आला तालीम याफ्ता असातिज़ा और उनकी ज़ेरे निगरानी दीनों दुनिया की आला तरीन मयारी तालीम, हिफ्ज़े कुरान की नेमतों से सरफराजी, शख्सियत साज माहौल में तामीर किरदार। जदीद तालीमी निज़ाम है इसका, और सिर्फ तालीमी निज़ाम ही जदीद नहीं है बल्कि हम निसाबी सरगर्मियों में भी बहुत बड़ा हाथ है, जो मैं समझती हूँ कि दूसरे स्कूलों में ये बहुत बड़ी कमी है। दार अरकम ने पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे स्पीच कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स गाला में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसी तरह मैंने भी स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैंने पंजाब में दो दफ़ा विन किया था, एक 2010 में और एक 2011 में। दार अरकम का माहौल बहुत खूबसूरत है और साजा बहुत काबिल हैं, और इसी वजह से मुझे दार अरकम पे फख्र है। पंजाब भर में अपने कामयाब तजुर्बे के बाद अब दार अरकम स्कूल सिस्टम को नेटवर्क पार्टनरशिप के जरिए मुल्क भर में मुतारिफ कराया जा रहा है। इब्तदाई मरहले में आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के आम शहरों में इसकी नई ब्रांचेस ओपन की जा रही हैं। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान के रोशन और महफूज कल के लिए आज कदम उठाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक बनाएं, आला तालीम से, तामीर किरदार से। दार अरकम स्कूल्स, खूबसूरत दुनिया, बेहतरीन आखरत। Thank you.